नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी पहले की तरह अच्छे ही होंगे। आज मैं पवन आप लोगों को बताने वाला हूँ फिर से कि कैसे आप लोग जो अपना गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वह क्रिएट कर सकते हैं और जो 2000 रुपये का जो वाउचर आता है वह कैसे ले सकते हैं अकाउंट ओपन करते टाइम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता दूं कि जब भी आप लोग अपना जो गूगल एडसेंस बनाने की अगर सोच रहे हैं तो वो भी मोबाइल से, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग गूगल क्रोम में जो गूगल एडसेंस का जो लिंक होता है उसे वहां ओपन न करके किसी अलग ब्राउज़र के अंदर आप लोग उसे ओपन करें ताकि जो आपका अकाउंट है गूगल एडसेंस का वह पूरी तरीके से बन सके। जैसे ही आप लोग गूगल एडसेंस का जो लिंक है वह ओपन करते हैं या फिर साइट पे विजिट करते हैं तो आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें आप लोगों को जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है योर वेबसाइट का, जहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास में कोई अपना YouTube चैनल है या फिर आप लोग किसी वेबसाइट के लिए जो अपना गूगल एडसेंस बना रहे हैं तो उसका लिंक कॉपी करके आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जैसा मैंने इस वीडियो के अंदर दिखा रखा है कि कैसे आप लोग कि अपनी वेबसाइट का जो URL होता है वह कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको योर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। जिस भी ईमेल आईडी से आपका चैनल है या फिर जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना जो ब्लॉग है वह बनाया है वही ईमेल आईडी आप इसके अंदर यूज करें। फिर आप लोगों को गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको यस कर देना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को नीचे ऑप्शन मिलेगा, जो कंडीशन होती है गूगल एडसेंस की उसको आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर यस आई हैव एक्सेप्ट जो एग्रीमेंट है उस पर क्लिक करके आप लोगों को क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। गूगल एडसेंस का अकाउंट आप लोग तब ही बनाए जब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कम से कम 20-25 जो पोस्ट है वह अपलोड की हो, या फिर अगर YouTube के लिए बनाना अकाउंट चाहते हैं तब भी आप लोग जो आपकी जो गाइडलाइन है YouTube की वह कंप्लीट होने के बाद में आप लोग अकाउंट बनाएं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि यह करने के बाद में आप लोगों को जो गूगल एडसेंस की जो सेटिंग होती है नॉर्मल सेटिंग वह आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो जो कस्टमर इन्फॉर्म का जो ऑप्शन आता है अकाउंट इन्फॉर्म का, वहाँ पे आप लोगों को क्या कर देना, अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट या फिर चैनल के लिए बना रहे हैं तो अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से हैं तो बिजनेस या फिर इंडिविजुअल, नेम और जो एड्रेस होता है वह आप लोग फिल करके फॉर्म को सबमिट करें। उसके बाद में जो आपको ऑप्शन आता है वी वर्किंग ऑन सेटिंग अप, वो जो ऑप्शन आएगा वह आप लोगों को जो गूगल एडसेंस है वह 2 वीक के अंदर आप लोगों को रिप्लाई दे देगा और आपका अकाउंट है वेरीफाई करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।